हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के लिए जैसे कि ये मैटर जो कोर्ट में था, हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग कल थी 14 को, वो कल नहीं हो पाई थी, वो स्ट्राइक के नाते ऐसा हो पाया था। वो फिर हियरिंग आज होनी थी और आज भी हियरिंग वो हो नहीं पाई। इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि चेयरमैन जो है टाइम से प्रेजेंट वहाँ पर नहीं हो पाए। अब उसके पीछे क्या रीज़न था ये पता नहीं चल पाया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पाए और जिसके नाते अब जो डेट है वो 29 सितंबर को लग गई है। यानी कि तब तक के आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है अब वो रुक गया है, अब उस पर कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और एग्ज़ाम रद्द होगा कि नहीं रद्द होगा ये तो कोर्ट की हियरिंग और फाइनल डिसीजन के बाद ही तय हो पाएगा। एक चीज़ और आती है सामने, आपका जो कॉलेज अलाटमेंट का 10% का मैटर था, उसमें आपसे हम कहे थे कि इस मैटर कुछ बात वहाँ संज्ञान में है और मीटिंग में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी बन रही है। तो उसमें जो DIOS ऑफिस, हम कहे थे कि वहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भेजने की बात चल रही है, तो वो हुआ भी है। अब वो दिशा निर्देश जो भेजे जा रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक को, वो उसको प्रेफरेंस के तौर पर देखा जाए ये कहा गया है उसमें। और इसमें कहा गया है कि जितने भी वहाँ पर सीट वैकेंट हुई है, वैकेंट कैसे हुई है, जैसे कि मान लीजिए किसी का कॉलेज अलाटमेंट हो गया था जिस विद्यालय में, अब वहाँ पर वो जाकर के ज्वाइन नहीं किए, अब वो सीट हो गई वैकेंट, उसकी पूरी लिस्ट, पूरी सूची जो है अब वो अवेलेबल कराई जा रही है कि इतने जगह पर अभ्यर्थन उनका जो है अब वो निरस्त हो चुका है। अब उसके क्रम में जो और लोग हैं प्रतीक्षा सूची में, वेटिंग लिस्ट में, उनको जो है अब वहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी जाए। इस तरह से ये जो निर्देश जारी किया गया है और इस कार्य को जल्दी से करने की भी बात कही गई है, इसमें लेट ना किया जाए। तो 10% वेटिंग में जितने लोग थे अब उनकी ज्वाइनिंग अब होनी शुरू हो जाएगी। कॉलेज अलाटमेंट की जो बात थी, जैसे कि जो कॉलेज में जितने भी लोग थे, कहाँ कहाँ पर कॉलेज में कौन सा सीट वैकेंट था, किस कैटेगरी का वैकेंट था, जैसे जनरल का है कि OBC का है, SC का है, तो जिस भी कैटेगरी का उसमें रहा होगा, उस कैटेगरी का सीट जो वैकेंट हो रहा गया, उस कैटेगरी के लोग वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग करेंगे उस कॉलेज में। उसी पर वहाँ के प्रबंधक जी के पास भी लेटर उसका जाएगा और आपका DIOS ऑफिस पर तो दिशा निर्देश जो है उसका इंस्ट्रक्शन वो तो जा चुका है और कई जगह पर भेजा जा रहा है। तो ये कार्य अभी जो है जल्दी से जल्दी होगा। निश्चिंत रहिए, आपसे कहे भी थे कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा 10% वेटिंग वाले, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपका कार होगा। और वो कार हुआ भी, कई लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, बातचीत होती रहती है। तो ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए कि अब ये कार आपका जल्दी से जल्दी होगा। हाँ, ये है कि आप लोग DIOS आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर DIOS ऑफिस पर जो है आप इस मैटर को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे कब क्या आता है, दिशा निर्देश आता है। हाँ, और ऑनलाइन पर भी आप देखते रहिए क्योंकि जो भी गाइडलाइन आती है ऑनलाइन आती है स्पेशली, तो उसको भी देखते रहना चाहिए, तो उसको देखते रहेंगे। बहरहाल हम तो हैं ही, हम तो जो भी होगा वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा आपको, हम तो बताते ही रहते हैं, बताते ही रहेंगे, वो अलग चीज़ है। ऐसे कोर्ट का मैटर बताया आपको कि ये मैटर है, ऐसे ही वाला मैटर आपको बताए आगे की चीज़ जो बचती है कि 2021 का रिज़ल्ट PGT का जो है, वो 20 की बात कही जा रही है, PGT का रिज़ल्ट दिया जा सकता है, लेकिन TGT का रिज़ल्ट 29 के पहले डिसीजन, कोर्ट डिसीजन के पहले नहीं हो पाएगा। हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी की बात आ रही है कि अगली वैकेंसी आने वाली है, अगली वैकेंसी अभी तुरंत हाल में आने वाला नहीं है क्योंकि उसकी भी तैयारी नहीं हो पाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मांग की जा रही है और ये भी सच्चाई है कि उस पर जो है अमल भी किया जाएगा। उसका कई फैक्टर है, एक फैक्टर तो ये है कि 2016 के बाद अगर देखा जाए कोई वैकेंसी अगर आई है तो केवल यही आई है एक वैकेंसी 2021 का, ये 5 साल में एक वैकेंसी आई है। और पूरा जो कार्यकाल है गवर्नमेंट का वो भी 5 साल बीतने को है, तो निश्चित रूप से एक जो है वहाँ पर ये मान के चलिए कि एक वैकेंसी आपकी इलेक्शन के पहले तो आएगा। अब वो वैकेंसी जो होगी वो TGT PGT का, या उसमें प्रिंसिपल, हमको लगता है प्रिंसिपल इस बार प्रधानाचार्य की भी वैकेंसी अच्छी रहेगी जो इस बार का वैकेंसी आएगी, ये ध्यान रहेगा। और नवंबर तक हो सकता है कि ये वैकेंसी आ जाए, प्रयास लोग करेंगे अक्टूबर में देने का, लेकिन हमको लगता है अक्टूबर में ना दे पाएंगे तो नवंबर तक ये वैकेंसी आपकी
देंगे और ये वैकेंसी आपकी 24 से जो है 28,000 के बीच में रहने वाली है, 24,000 से 28,000 के बीच में वैकेंसी आपकी आने वाली है। और LT राजकीय LT ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी वैकेंसी आपका दिसंबर के पहले ही आने का पूरा चांस बना हुआ है। राजकीय LT ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, अच्छी वैकेंसी उसमें होने की चांसेस फिर बन रहे हैं। यह है कि लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी राजकीय LT ग्रेड का होगा उसमें ऐसी चीज़ें हैं आप जानते हैं, जैसे कि एज फैक्टर उसमें आता है, एज लिमिट है उसमें, उसमें मैक्सिमम 40 हो सकते हैं जनरल के लिए, आप जानते हैं इस चीज़ को। बाकी जो आरक्षण नियम है वो सब तो अपनी जगह पे लागू होता है होगा, लेकिन माध्यमिक वाला जो आपका आएगा एक वैकेंसी ये वाला, इसमें आपका एज लिमिट अपर लिमिट जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि जो ओपनिंग लिमिट है वो तो 21 का रहेगा, लेकिन जो अपर लिमिट होगा वो आपका जैसे 40 कर दिया जाता वो नहीं रहेगा, वो आपका जैसे चल रहा है 60 तक वो चलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि वो 5 चरणों में होना है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 12 नवंबर तक चलेगा। और UGC नेट NTA का भी डेट अभी जल्दी ही हो सकता है एक सप्ताह में जारी कर दिया जाए, वो भी डेट आ जाएगा आपका। वैसे भी बात जो की जा रही है 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक, अभी कंफर्म नहीं है कि वो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन यह है कि चांसेस बन रहे हैं, योजना बन रही है, व्यवस्था की जा रही है। उसमें 2020 का भी जो जून वाला था वैकेंसी और 21 का भी जो वैकेंसी था, दोनों वैकेंसी का एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था चल रही है। तो इतनी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हैं, बाकी और जो भी हमको अपडेट मिलता है आपको हम जल्दी ही बताएँगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, हैव ए नाइस।